प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारते हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू रोकता है क्यों भला। रा, रा। कहाँ थी आप मैडम? तुम्हें अपना मोबाइल अपने पास रखना चाहिए। बार बार तुम्हारे फोन पे कॉल्स आई थी, मैंने रिसीव नहीं किया, देख लो। बार बार किसकी कॉल आ रही थी? मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ या तुम मेरी असिस्टेंट हो? जो मैं तुम्हें बताऊँ? क्या 9 मर्तबा कॉल किया अम्मी ने? क्यों रिसीव नहीं करी? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कब से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो कहाँ है ये, कहाँ है ये पूछो, कहाँ है ये? कितनी देर से फोन कर रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, ये कहाँ है ये? जॉब पर हूँ और कहाँ होंगी आंटी। अरे हयात, कब से तुझे फोन मिला रहे हैं, तू फोन ही नहीं उठा रही थी। ये लड़की जान लेगी मेरी, परेशान करके रख दिया है, समझ नहीं आती क्या करूँ इस कमबख्त मारी का। मैं समझी नहीं, क्या कह रही है, कहाँ है? क्या कह रही है? पूछ रही है इस वक्त कहाँ है। पकड़ाओ जरा मुझे, मैं तुम्हारे दफ्तर में बैठी हूँ, कहाँ हो तुम? ये तो कह रहे हैं तुम यहाँ काम ही नहीं करती, किस जगह काम करती हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हैं आप दोनों? हाँ, क्या बोल रही है? पूछ रही है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बोलो, खाने की रेसिपी पूछने आए। मैंने डेस्क वाली लड़की से पूछा, वो कहती है हयात नाम की लड़की यहाँ काम नहीं करती। तुम हर सुबह घर से तैयार होकर निकलती हो कि तुम काम करने ऑफिस जा रही हो। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारे बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगी मैं उन्हें? बता कि ये लड़की रोज झूठ बोलकर पता नहीं कहाँ जाती है। देखो तो सही, यही हसीना चाहिए मुझे दुरुक। काफी अरसे से इसके चक्कर में लगा हुआ था। बिल्कुल सही कहा बाबा, बहुत ही हसीन है। ओ दुरुक, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, इसकी लाइंस तो देखो, परफेक्ट साइज है और 16 मीटर लंबी, 2 कमरे भी हैं, 30 मील फी घंटा रफ्तार है। बिल्कुल जहाज है जहाज। तुम्हारा बाप बहुत जल्द इसे हासिल कर लेगा दुरुक। एक सी पसंद है हमारी, सभी कहते हैं मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ। वैसे क्या मॉम को बताएंगे कि एक और हसीना आ गई है आपकी जिंदगी में? सरप्राइज दूंगा उसे। मॉम अगर आपको खरीदने से मना कर दें तो मुझे दिलवा दीजिएगा आप। वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी है, ख्वाहिशात को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, जितना मजा ले सके ले लीजिए आप। अरे अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी और तुम आ गए। तुमने अच्छा किया मुराद जो आ गए, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। आज जरूर कोई ना कोई टर्मिनेट होगा, इनके रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है। बाबा मैंने आपसे पहले ही बोला था ये लड़की किसी काम की नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। कौन सी लड़की, कैसी लड़की? आपके दोस्त की बेटी हयात, सोना जो भी नाम है उसका, जॉब छोड़ दी उसने। अम्मी,
तुम तो यही हो, ये लोग तो कह रहे थे तुम यहाँ काम ही नहीं करती, ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे हमसे? अभी यहाँ नया नया काम शुरू किया है ना मैंने, तो यहाँ मेरे नाम से हर कोई नहीं जानता मुझे। रिसेप्शन वाली लड़की ने जब कहा कि तुम यहाँ काम नहीं करती तो हम बिल्कुल डर गए थे। अच्छा तो तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ इतनी देर से हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, कहाँ थी तुम? हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना मुझसे, बॉस के साथ मीटिंग में थी, उन्हें ये कहती कि पहले कॉल अटेंड कर लूं अपनी अम्मी की। अब अगर आप दोनों मुतमईन हो गई हैं तो घर चली जाएं। हेलो टोवल, तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? मैं यहाँ पर काम करती हूँ, आपको याद नहीं है क्या मिस हयात? चलो कोई तो यहाँ इसे जानता है। हाँ, सही कह रही हूँ। मेरी गुड़िया, कौन है ये खवातीन? दोनों खवातीन, दरअसल ये इन दोनों को बहुत जरूरी काम है, ये दोनों यहाँ से जा रही हैं। अच्छा खुदा हाफिज, शाम को मुलाकात करते हैं। हाँ तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, अपनी माँ को कोई ऐसे धक्के देता है क्या? क्या कहा माँ? क्या आप इसकी माँ हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे साथ इसकी आंटी है। हाँ? बाबा मैं जानता हूँ कि वो आपके दोस्त की बेटी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ऑफिस में काम कैसे किया जाता है। इशू क्या है ये मुझे जरा तुम इत्मीनान से बताओ। जी यही तो मसला है उसका, मैडम कुछ नहीं करती सिवाय इसके कि ऑफिस में इश्यूज क्रिएट करें। ठीक है मगर उसने रिजाइन किस लिए किया? इसका जवाब कोई मुश्किल तो नहीं, जिस तरह का मेरे भाई का मिजाज है तो इसके साथ किसी का भी गुजारा मुश्किल है। ये क्या बोल रहा है मुराद? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अपनी तरफ से बोल रहा है सब कुछ। सुनो बच्चों, तुम लोगों के बिजनेस के हवाले से जितने भी फैसले हैं उनके बीच में कभी नहीं बोलता, मगर मामला कुछ और है इस वक्त, तो मुझे खुद ही देखना होगा इसे अब। सच में बहुत खुशी हुई आपसे मिलके तूबा मैडम। हाँ, चले बातें और कॉफी दोनों हो गई हैं, अब चलना चाहिए हमें। इतनी जल्दी पे क्या है? वैसे मैडम मेरा नाम ट्यूवल है, ट्यूवल यूनिकोलो, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर, ये मैं नहीं कहती पूरी दुनिया कहती है। वैसे मुझे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में तो आप माशाल्लाह इससे कहिए, ये लड़की बहुत प्यारी बहुत कॉन्फिडेंट है, इसकी तरबियत आपने बहुत अच्छी की है आंटी। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं तौबा मैडम। टोविल अम्मी जान, टोविल। फरीदे आंटी अब आप लोगों को चलना चाहिए, बहुत टाइम ले लिया आपने इनका। चलो वाकई बहुत देर हो गई, वैसे भी इतनी फेमस डिजाइनर का इतना कीमती वक्त नहीं लेना चाहिए। ओह माय गॉड, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके दमाम मैडम। वैसे दमाम भी नाम बुरा नहीं है, टूवल मैडम, टूवल। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें इसके लिए। चलिए खुदा हाफिज। अम्मी चलो शाम में घर पर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज। मिलेंगे। अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि हो क्या रहा है, वो खवातीन कौन थी और तुम कौन हो? क्या मतलब? दरअसल मैंने तुम्हें फोन पे एक दफा बात करते हुए सुन लिया था, तुम किसी को कह रही थी कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। फिर पूछ रही हूं मैं, ये औरतें कौन थी हयात? टोविल मैडम को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। हाय,
मगर ये सब कैसे हुआ? उन्हें किसने बताया कि तुम कौन हो? अब अम्मी और आंटी दोनों अचानक से ऑफिस आ गईं तो मैं क्या करती? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और जब तक तुम्हारे बॉस को ना पता चले तुम परेशान मत होना। बॉस से मेरी अच्छी खासी बहस हो चुकी है आज, और मैंने रिजाइन दे दिया है। और जब मैडम ने पूछा कि ये लड़की कौन है तो अम्मी ने फौरन ही बता दिया उन्हें। तो फिर क्या क्या बता दिया? एम ने आंटी ने क्या बताया ये मसला नहीं है, मसला ये है कि हयात ने क्या कहा। और यकीनन हयात ने अपनी अम्मी की बात मान के उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, यही किया है ना तुमने? नो, ऐसा नहीं किया मैंने, कोई और बात है। आंटी एम ने, असल में कभी कभार उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता तो वो मुझे अपनी बेटी बना। फिर? लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हें अपनी बेटी क्यों बना लेती है वो? वो ऐसी इसलिए है क्योंकि दो बच्चे उनके मर गए थे। क्या है, ऐसा क्यों कहा तुमने? और जब से उनकी ये हालत हो चुकी है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। वो अपनी बेटी का नाम लेकर मुझे पुकारती हैं, उन्हें मैं कैसे मना करूं? मुझे तो तुम्हारी अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। मैडम डोवल ने भी कुछ ऐसा ही कहा। रो रही होगी बेचारी। हाँ ऐसा ही था। अरे मैडम आप क्यों रो रही हैं इस तरह? जो होना था वो तो हो गया, आपके रोने से बदल थोड़ी जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना दुख के सारित की जिंदगी में। ओह तुम यहाँ खड़ी हो, कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। चाला छोड़ दी है मैंने ये जॉब। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस वक्त तुम सर से जाके मिलो, वो बुला रहे हैं तुम्हें। अब किससे मिलना है? निजाम सर ने बुलाया है तुम्हें। सुनो बच्चों, इस वक्त जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ किसी बॉस की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बाप की हैसियत से और तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से। मुझे ये जानना है हुआ क्या तुम्हारे बीच। मुराद, इनसे ही पूछ लीजिए। सोना, निजात अंकल आपके बेटे को बिल्कुल नहीं मालूम कि एम्प्लॉय से कैसे बात करते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही बात करता हूँ। जी मिस्टर मुराद आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातों में दखल देना अच्छा नहीं। मैडम को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। तुम दोनों का मसला ये है कि बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो आपस में। मुझे प्लीज सिर्फ इतना बताओ कि रिजाइन किस लिए दिया तुमने? मुराद सर बताएंगे तो अच्छा है। मुराद, अगर आपके साथ सख्त लहजे में बात की है तो मिस हयात, उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे तो जरा नहीं लगता है कि आपको शर्मिंदगी हुई है। दोनों खुद ही बोले जा रहे हो, मैं भी बैठा हूं यहां पर। घर की तरबियत बहुत अहम होती है बाबा, जो कि साफ नजर आ रही है। मैंने जॉब छोड़ दी है, ऐसी जगह मुझे काम नहीं करना जहां मेरी इज्जत ना हो। लेकिन अंकल आप परेशान मत हो, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी लड़की को इस कंपनी में जॉब दी। निजात अंकल आपसे एक बात कहनी है। क्या कहना है बेटा? जॉब मैंने छोड़ दी है, ये बात मैं बाबा को खुद बताना चाहती हूँ, आप मत बताइएगा। अरे बेटा परेशान मत हो, समझ सकता हूँ मैं ये। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, चलती हूँ मैं। गुड बाय बेटा, गुड बाय। हाँ अब तो खुश है ना आप? बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, जरा सी भी प्रोफेशनल नहीं है वो। मुराद क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि क्या किया है तुमने? इस वजह से बरसों की दोस्ती खत्म हो सकती। इस टॉपिक को खत्म करते हैं बाबा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी प्लीज। जो बात सच थी वो बाबा को क्यों नहीं बताई? डर गई थी क्या? अच्छा तो खुद क्यों नहीं बताया, या फिर कोई शक था दिमाग में?
गुड बाय, यहां का सफर खत्म हो गया। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कैसी हो? ठीक हो ना तुम? हाँ बस ठीक ही हूँ। हयात तुम कहाँ हो इस वक्त? अपना पर्स लेकर बाहर आ गई हूँ मैं, मगर ऑफिस के सामने ही बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही माउफ हो गया है, दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया है? बताओ क्या करूँ? देखो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से टैक्सी पकड़ो और फौरन मेरे पास आ जाओ। तुम दिल नहीं कर रहा यहाँ से उठने का, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर सकती हो? आपको जैसा कहा है वैसा करें। मेरी प्यारी दोस्त, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बैठ के कुछ हल निकालते हैं, समझी तुम? हाँ करीम बोलो। ऑफिस में हूं, और कहां होना है? तुम कहां हो इस वक्त? सब खैरियत तो है? अच्छा रुको आ रहा हूं। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूं मैं आज। अगर तुम ये हिलना झुलना बंद नहीं करोगी तो ये सुई मैं तुम्हारी हड्डी में घुसा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर गोश्त तो है ही नहीं। मुझसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, जी चाह रहा है सारी दुनिया को बता दूं। तो बोल, शायद तुम जानती नहीं, मुराद ने उस हयात नामी चुड़ैल का असली चेहरा देख लिया है। कैन यू बिलीव इट? मगर मुझे तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती। हाँ, मैं ही उसका असली चेहरा मुराद के सामने लाई और मैं उससे ये कह चुकी हूँ मुराद सिर्फ मेरा है। हाँ? मैं उसे खरी खरी सुना रही थी, इतने में पीछे मुराद आ गया, लेकिन हयात को पता नहीं चला। फिर मैं खामोश हो गई और वो मुझ पर रोब झाड़ने लगी। मैं मासूम बनी रही और मुराद को लगा वो मुझे सुना रही है। उसके बाद मुराद ने उसे बड़े गुस्से में अपने कमरे में बुला लिया। क्या जबरदस्त चाल चली है तुमने, इसके लिए मुबारक हो तुम्हें। वैसे तुमने अपना दिमाग चलाया खूब। हाँ, ऐसे सिचुएशन में मेरा दिमाग बहुत काम क्या करता है। बात है तुम्हारी, तुमने उस मासूम को जॉब से निकलवा दिया। उसने रिजाइन क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा था, मगर अब समझ आ गया। क्या वाकई? यानी उस लड़की से मेरी जान छूट गई? मेरा जी चाह रहा है मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं, मैं कहां जाऊं? हाँ क्या हुआ है करीम बोलो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा मुराद साहब। तुमने अभी मुझे फोन पर कहा बहुत अर्जेंट बात करनी है, जल्दी आ जाएं। क्या मैंने ऐसे कहा था? हाँ? जी हाँ, ऐसे ही कहा था मेरे प्रेशर में आकर। ये हमारी गाड़ी में क्या कर रहा है? चलें जल्दी चलें, कोई देख न ले। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम इन्हें अगवा कर रहे हैं। हाँ ना, अगवा ही तो कर रहे हैं, और क्या है ये? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है ये? करीम की कॉल पे आए हैं आप, मगर लंच की पेमेंट आप करेंगे। हम क्यों खड़े हैं, गाड़ी चलाएंगे या स्टेयरिंग मैं संभालूं? अच्छा अच्छा चलाता हूँ, चलें, मजा आ गया। वो बंदर मुझे ये कह रहा था कि तुम बहुत बदतमीज हो। इतना भी मौका नहीं मिला कि ये बता सकती कि ये गलती दीदम की है। दुरूक से भी नहीं बात हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के मर्द हैं, जाहिल, बदतमीज। अगर उनसे ज्यादा अच्छा कोई काम कर जाए तो ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, चलो गोली खा लो। हाँ
हयात तुम आराम से बैठो प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। इसकी वैसे भी 12 हड्डियां टूटी हुई हैं, 2 छोटी और 3 बड़ी। सॉरी। सबसे बुरी बात मालूम है मुझे उसकी क्या लगी? मुझे सबके सामने बोल रहा था कि तुम छिछुंदर की तरह हर वक्त बोलती हो। बीमार आदमी तुम मुझे बताओ, क्या मेरा मुंह और बोलना छिछुंदर की तरह है? नो, बिल्कुल भी नहीं लगती हो। हयात, तुम उन लोगों को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे नकली बाप का कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे पुराने बॉसेस से? निजात अंकल ने बात करने के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, वो तो ये चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़कर नहीं आऊँ, मगर मैं फिर भी आ गई। तुम भी ना उल्टी हरकतें करती हो हयात। जब वो ये चाह रहे थे कि तुम नौकरी छोड़ के मत जाओ तो तुम क्यों गई? तुम ही बताओ टूटे फूटे आदमी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या कहना चाहती हो तुम असली? ना उन्हें कुछ पता था, ना वो जानते थे किसी बारे में। मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए था। मैं जब गलत नहीं तो एहसान क्यों लूं? चलो, सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें अभी जाना चाहिए और जाके उसके बाप को बताना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है। एपिक, बस चुप हो जाओ आप। हयात को देखो, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। और जो कुछ भी तुमने किया अच्छा किया। इंसान को अपनी इज्जत पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों परेशान हो रही हो हयात? सब ठीक हो जाएगा। जॉब के लिए परेशान नहीं हो रही हूँ मैं, तकलीफ इस बात की है बस कि उस बंदर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, दिल तोड़ दिया मेरा। चले गेम खेलते हैं भाई, जो भी मैं आपसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगे। क्या मतलब? आप भी ना भाई, मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हमारे कितने पैसे लगे हुए हैं। अगर ये पूछोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे बिजनेस से दूर रखें आप। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी न्यू असिस्टेंट ने काम क्यों छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको उनकी फिक्र हो रही है। इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है उस लड़की में आपको? इंटरेस्ट नहीं ले रहा भाई, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उससे आपने क्या कहा जो काम छोड़कर भाग गई? बस गलती ये है मेरी कि मैंने उससे अच्छे से बात की। यानी आपने अच्छे से बात की इसीलिए वो काम छोड़कर चली गई? तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या हरकत की उसने? वो हमारी कंपनी में काम करने नहीं आई थी, बल्कि जासूसी करने के लिए आई थी। कौन? वो हयात? क्या हो गया है भाई, इतनी मासूम सी लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं भाई आप? उस दिन तुमने ही तो बताया था कि मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें उस हयात ने दी हैं। मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। अब झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। तो फिर मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ? वो क्यों बताएगी मुझे? मगर आप भी अपनी तरफ से बहुत सोचते हैं। एक दो दिन पहले क्लब गया था, वहां पर अरबियों की सेक्ट्री मिली, उसने मुझे बताया। वैसे भाई एक बात है, उन अरबियों की सेक्ट्री भी कुछ कम नहीं थी। अगर तुम उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो गलत कर रहे हो। भाई क्या हो गया है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई मेरी बात पे तो यकीन करें आप, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में हयात ने कुछ नहीं बताया। सोना का बाप और तुम्हारे बॉस का बाप दोस्त है आपस में, जैसे ही मिलेंगे सच सामने आ जाएगा, वो क्यों छुपाएंगे तुम्हारी बात? ठीक कह रही हो, लेकिन अब करना क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हें सोना को फौरन बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसके बाबा को पता चले। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये बताओ अब अम्मी का तुम क्या? उन्हें कुछ नहीं बताओगी, घर पर जॉब का कहना और निकल जाना कहीं पे। अगर वो बगैर बताए ऑफिस पहुंच गई तो फिर क्या होगा? अम्मी की कॉल आ गई, अम्मी की कॉल आ गई, जल्दी बताओ मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो गया, जल्दी बताओ मैं क्या करूं। चुप, आज हमें हयात सच बोलना ही होगा। उठाओ फोन, कॉल आंसर कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हो बेटी, ऑफिस में हो? जी अम्मी जान, ऑफिस में ही हूँ, और कहाँ होंगी इस वक्त मैं? आपको तो मालूम है कि ऑफिस में मुझे कितना काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी मुझे, उन्हें मैंने बता दिया है कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, और मैं तुम्हारे काम की जगह भी देख आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्या करना है तुम्हें। हाँ, मैंने वापसी की टिकट करवा ली। फिर ये किस किस्म की आवाज है बेटी, तुम चीख क्यों रही हो? हाँ अम्मी जान, अम्मी जान जब आप चली जाएंगी तो मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मैं बाबा को भी बहुत मिस करती हूँ, कहिएगा आप उनसे। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी बेटी है तू।
तेरे दफ्तर के लोग तेरी इतनी तारीफें कर रहे थे, मैं बहुत खुश हुई सुनकर। फखर है मुझे तुझ पर, बहुत ज्यादा फखर है। चले बस अम्मी, ठीक है। अरे इनकी दुआओं की वजह से तो हुई है कामयाब। दुआओं की तो हमेशा जरूरत रहती है। और तू तो इनके इलाके की पहली लड़की है जिसे यहाँ आकर शहर में कामयाबी मिली है, कसम से। खुदाफिज सेमने आंटी। खुश रहो हमेशा, खुश रहो। ख्याल रखना अपना, और हाँ याद रखना, पहला यकीन अल्लाह पर, उसके बाद किसी और पे यकीन करना, समझ गए? आपका गुस्सा और आपकी बातों को हम कभी नहीं भूलेंगे एमने आंटी। शरीर कहीं की। मेरी बच्ची खुश रहो, जीती रहो, जीती रहो। आप बाबा से ही कहिएगा कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। ठीक है, सलाम तो मैं उन्हें सबका दे दूंगी, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मेरी बेटी पे फखर है मुझे, कितनी मेहनत करती है, कितना काम करती है, और इसके ऑफिस के लोग तो कितने खुश थे इससे, है ना? हाँ हाँ। हमारे गांव की पहली लड़की है जो इस्तांबुल में आके नौकरी कर रही है। अब देखना हमारी बेटी पूरे इस्तांबुल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, है ना? जी बिल्कुल। चलो ख्याल रखना। अंदर चलो लड़कियों, क्यों खड़ी हो यहाँ? रोड पर यूं खड़े होकर लड़कियों का दांत निकालना अच्छा नहीं होता। सुबह ऑफिस जाना है ना, चलो उसकी तैयारी करो, खाना खाओ, कपड़े तैयार करो और फिर सो जाओ। देर से सोगे तो फिर देर से उठोगे ना। चलो चलो, बहुत सारे काम करने, आ जाओ। एक चाहता है तो दूसरा तैयार रहता है हमें सुनाने के लिए। क्या किस्मत है हमारी। ओहो दुरुक साहब, आपके तो मजे आ गए आज। दुरुक तुम्हें बहुत जल्दी है, मैं सैलेड बना तो रही हूँ तुम्हारे लिए। मॉम मैं भी एक इंसान हूँ, हर वक्त सैलेड नहीं खा सकता, मुझे एनर्जी के लिए कुछ गोश्त भी चाहिए होता है। आपको तो मालूम है पापा भी खाने के कितने शौकीन हैं। ले आप भी खाएं। दुरुक। अच्छा नहीं खाएं आप, फिर बाद में मत कहिएगा कि मुझे मिले नहीं। मॉम। हाँ बोलो बेटा। भाई के प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? दुरुक मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मतलब है कि आप मुझे नहीं बताएंगी कि आपको ये बात कहाँ से मालूम हुई? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मॉम आपको मालूम है आपकी इस बात की वजह से किसी की नौकरी चली गई। हाँ किसकी नौकरी चली गई दुरुक? हयात, वही जो बाबा के दोस्त की बेटी है। आखिर इस सारे मामले का उस लड़की से क्या ताल्लुक है? भाई को लगता है कि हयात ऑफिस की हर बात बताती है मुझे। इस सिलसिले में अगर तुम्हारे भाई को ही तुम पर शक हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है दुरुक? और मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। हाँ एक और बात, मैं तुम्हारी तरह बेखबर नहीं रहती बिजनेस से, क्योंकि साटे हमारी फैमिली का बिजनेस है। और फिर एक दफा मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। और जहां तक उस लड़की की बात है तो मैं बता देती हूँ, उस लड़की ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बात समझ में आई दुरुक? अब ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हुई हो? इसने अपनी अम्मी के बारे में झूठ कहा था इसलिए ये उदास है। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? सिर्फ एक झूठ ही तो बोला है तुमने अपने लिए, और वैसे भी झूठ ना बोलती तो गांव वापस जाना पड़ता तुम्हें। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं मतलब तो फिर क्या बात है? ऐसा लग रहा है मेरे सर पर कोई भारी बोझ है और कोई चीज मुझे सता रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मेरे साथ मुराद साहब को। इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी सफाई देती। क्या वाकई तुम्हारा मूड इस वजह से खराब है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? अब दोबारा से ये मत कहना कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। कुछ नहीं है ऐसा। पता नहीं उसे किस बात की अकड़ है। खैर जो हुआ सो हुआ।
मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। प्यार लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। पार्टी में थैंक यू इस पार्टी में बुलाने के लिए, सारे हैंडसम लड़के यही होंगे। चलो अब यहाँ खड़े होके वक्त जाया मत करो। हाँ रुको, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और वजह से बुलाया है। क्या मतलब यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। देखो दीदम, मेरे जज्बात से मत खेलो प्लीज। जब से हयात ऑफिस छोड़ के गई है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है मुराद भी अंदर है, मैं उसके सामने जाऊंगी और मासूम से मुंह बना के कहूंगी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी। और इतना मासूम से मुंह बनाऊंगी कि वो मुझ पे तरस खाएगा। अरे तुम्हारे सड़ा हुआ मुंह खुले हुए मेन होल जैसा है जिसका ढकना कोई चुरा के ले गया हो, उसे बंद कैसे करोगी? मुंह तुम्हारा इतना बड़ा है और धड़ बारीक सा, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को मॉडल कहते हुए? मैं जानती हूँ तुम ये सब अपसेट होने की वजह से कह रही हो मुझे। मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं। अगर मैं अपसेट होती तो तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताती मैडम दीदम। मेरी इतनी इंसल्ट करती हो। मेरी बात खत्म हो गई अब तो, मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर पार्टी में इस खूबसूरत औरत का इंतजार हो रहा है। देखो कितना हसीन इत्तेफाक है, मैं और टुवल यहाँ आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गए। अरे हसीन इत्तेफाक। अरे जाओ ना अपने लिए कोई जूस ले लो, यहाँ क्यों बैठ गई? मुझे जो भी लेना है वो मैं खुद ले लूंगी, और इस वक्त इंतकाम लेना है मुझे। मजाक कर रही है? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। सच तो ये है कि इसने तुमसे झूठ बोला है और ये यहाँ तुमसे ही मिल जाएगी। मुझे भी झूठ, कहाँ या प्राइवेट पार्टी हो रही है? मुझे लग रहा है ये वही लड़का है जिसे बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाँ वही है। अरे मैं जरा इसे बातचीत करके आती हूँ कुछ फैशन के बारे में। असल में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ दीदम। मुझे मालूम हुआ था कि तुम बहुत परेशान हो मुराद, अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाए, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। उसने नौकरी इस वजह से नहीं छोड़ी, कोई और बात। वैसे वो लड़की कुछ अजीब सी है, उसे मालूम ही नहीं ऑफिस में काम कैसे किया जाता है, प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं उसमें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होना था हो गया है, चलो डांस करते हैं। ओफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी होके रह गई है मेरी जिंदगी। चलो उठो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे रहने दो, मेरा मूड नहीं हो रहा। चलो फिर तो कोई गेम खेलते हैं। बच्चे हैं क्या हम? हयात कोई मूवी देखते हैं, कोई रोमांटिक मूवी जिसमें प्यार मोहब्बत और खुशियां हो। हाँ रोमांटिक मूवी देखनी है? वो मूवी जिसमें हीरो हीरोइन को छोड़ के भाग जाता है और वो पूरी मूवी के दौरान रोती रहती है, ऐसी मूवी नहीं देखनी। हयात कॉमेडी मूवी देख लेते हैं, क्यों? असली क्या किसी कॉमेडी मूवी का तुम्हें आज तक जोक समझ आया है? खुद तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता,
हमेशा मैं ही मूवीज पॉज करके तुम्हें जोक का मतलब समझाती हूँ। अच्छा तो फिर आईपिक मैडम आप ही बता दे कि हमें क्या करना चाहिए अब। एक तो यहाँ हमारी दोस्त मुश्किल में फंसी हुई है और मैं उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें लॉजिक सोच रही है। असली मेरी जान मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मूड अच्छा करना चाह रही हो। एपिक को ले जाओ साथ, मैं यहाँ घर पर ही ठीक हूँ। इसको समझाना भी कितना मुश्किल हो जाता है कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर नौकरी चली गई? अगर ये जॉब चली भी गई तो कल या परसों दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। असली उसका मसला जॉब नहीं है यार, इश्क है जो उसे खुद नहीं पता अभी तक। ठीक है तो हमें अब उसकी मदद करनी होगी कि उसे उसकी चाहत मिल जाए। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। बिल्कुल, इसे दिखाते हैं डॉक्टर को। नो, और क्या करें फिर? बता तो चुकी हूँ, उसकी हेल्प करेंगे। हम उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम उसके साथ रहेंगे। बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल लगी, वीरान सी हो गई ये जिंदगी मेरी, वो गम है वो खुशी वो ही है बंदगी, चाहूं या ना चाहूं रूह में बसी है तू, कैसी ये आशिकी है, कैसी ये दिल।
प्यार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जाने